हेलो फ्रेंड्स, आज हम उपल मैथमेटिक्स में एक नई नया सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, करंट अफेयर, जिसमें हम हर रोज़ 15 मिनिमम 15 करंट अफेयर डालेंगे। ठीक है, आज हम 7 जून के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और रोज़ आपको ये वीडियो मॉर्निंग में मिल जाया करेगी। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ केयर। किस स्टेट ने इंडिया में हेल्थ केयर में ड्रोन की यूज़ शुरू कर दी है? तो वो कौन सी स्टेट है? वो स्टेट है उत्तराखंड। तो हमारा आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने ड्रोन से हेल्थ केयर स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपने उत्तराखंड की कैपिटल याद रख लेनी है, ठीक है, देहरादून, और उत्तराखंड का CM, ठीक है, ये आपने जो भी कोई स्टेट के बारे में एक न्यूज़ आ जाए तो आपने उसकी कैपिटल, उसका CM, ये सब साथ में नोट कर लेना है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है LIC हैज़ लॉन्च बीमा रत्ना। ठीक है, बीमा रत्ना की उन्होंने एक नई स्कीम स्टार्ट की है LIC ने। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन बनाया है, LIC वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, LIC कब एस्टेब्लिश हुई है? अभी आपने 2022 में LIC का IPO भी लॉन्च हुआ है, ठीक है, जिसमें लाखों इन्वेस्टरों ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन जो प्राइस का टारगेट था, जो प्राइस का चेक किया जा रहा था भी बहुत ऊपर हाई होगा, वो नीचे ओपन हुआ है, तो जिससे हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनका पैसा काफ़ी डाउन चला गया है। तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है, LIC वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, तो LIC कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1 सितंबर 1956 को, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था? 1 सितंबर 1956 को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोल इंडिया लिमिटेड अनाउंस दैट इट्स बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड द सेल ऑफ अ -% स्टेक इन भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। यानी जो हमारी कंपनी है इंडिया की, कोल इंडिया लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस किया कि इनके बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, वो इतने परसेंट स्टेक भारत कुकिंग कोल लिमिटेड का सेल करेंगे। वो कितने परसेंट है? वो है 25%। तो इसका आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 25%। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, इंटरनेशनल योग डे विल बी सेलिब्रेटेड विद विच थीम। जो इंटरनेशनल योग डे है ये हम मनाते हैं 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। अब जो इस 2022 में हम इंटरनेशनल योग डे मनाएंगे, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है हमारे पास योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम है हमारे पास योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये याद रखना है। और इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? एवरी ईयर 21 जून को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऐप हैज़ लॉन्च अलर्ट फीचर फॉर हेल्प फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन। कौन सी ऐप ने ये नया फीचर लॉन्च किया जिसका नाम है अलर्ट? ये ऐप मैक्सिमम बच्चे यूज़ करते हैं, इस ऐप का नाम क्या है? इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है अलर्ट, किसके लिए? फाइंडिंग मिसिंग चिल्ड्रन। ठीक है, ये तो आपको सबको याद हो जाएगा क्योंकि ऐप है सबसे ज़्यादा चल रही है, कौन सी ऐप है? इंस्टाग्राम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, रिसेंटली द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक एस कृष्णा हैज़ रिटायर्ड ऑन May 31, 2022। कौन से बैंक के MD एंड CEO, ठीक है, कौन से बैंक के MD एंड CEO एस कृष्णा रिटायर्ड हुए हैं 31 मई 2020 को? तो वो कौन सा बैंक है? पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, एस कृष्णा, आपने नाम याद रखना है CEO का, एस कृष्णा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 है, बुजर निशानी हैज़ पास्ड अवे, ठीक है, ही वॉज़ द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री, ठीक है, बुजर निशानी निशानी इनकी डेथ हो गई है, ये कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट थे? अल्बीनिया, ठीक है, अल्बीनिया। तो इसकी आपने जो भी कंट्री आपके यानी करंट अफेयर में आ जाए, जो न्यूज़ में आ जाए, तो उसकी आपको कैपिटल और करेंसी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी कैपिटल है तेरान और करेंसी है लेक, आपने याद रखना है अल्बीनिया कैपिटल, तेरान और करेंसी लेक, ठीक है। और जिनकी डेथ हुई उनका नाम है बुजर निशानी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ई स्टैम्प फैसिलिटी इंस्टेड ऑफ पेपर स्टैम्प, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने ई स्टैम्प फैसिलिटी स्टार्ट की है पेपर स्टैम्प को हटा के, ये कौन सी गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो आपको पंजाब की कैपिटल पता होनी चाहिए चंडीगढ़, ठीक है, और पंजाब का गवर्नर का नाम बनवारी लाल पुरोहित और पंजाब के सीएम का नाम भगवंत सिंह मान, ठीक है। जो भी स्टेट न्यूज़ में आ जाए उसकी कैपिटल, उसका सीएम और उसका गवर्नर, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पंडित भजन संपूरी जी पास्ड अवे, ठीक है, पंडित भजन संपूरी जी पास्ड अवे, विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही प्ले, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये बजाते थे? तो आपको पता होना चाहिए संतूर, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? संतूर, पंडित भजन लाल संपूरी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10, तेलंगाना फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट इन 2022, जो तेलंगाना यानी तेलंगाना कब बना था, यानी उसका फॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है? तो उसका फॉर्मेशन डे मनाया जाता है 2nd of June, जो हर साल मनाया जाता है। और ये कब स्टार्ट हुआ था, यानी तेलंगाना कब बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर? 2014 में। तो आपने याद रखना है तेलंगाना फॉर्मेशन डे कब मनाया जाता है? 2014 में, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मैंस हॉकी एशिया कप 2022 वॉन बाय विच टीम, मैन हॉकी एशिया कप कौन सी टीम ने जीता है? आंसर इज साउथ कोरिया, आंसर इज साउथ कोरिया। और फर्स्ट प्लेस पे कौन था? साउथ कोरिया। तो रनर अप टीम कौन है? मलेशिया। सेकंड कौन आया? मलेशिया। और थर्ड पर कौन है? इंडिया, ठीक है। आपने याद रखना है फर्स्ट कौन था, यानी कौन जीता मैन हॉकी एशिया कप? साउथ कोरिया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंग्लैंड प्लेयर टू कंप्लीट 17,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, इंग्लैंड का कौन सा प्लेयर है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 17,000 रन कंप्लीट कर लिए? तो उस क्रिकेटर का नाम है जॉय रूट, जॉय रूट, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्रिकेट प्लेयर है इंग्लैंड का फर्स्ट जिसने 17,000 रन क्रॉस कर दिए हैं? जॉय रूट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, टू केस ऑफ नोरो वायरस हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट, दो केस नए आए हैं नोरो वायरस के, कौन सी स्टेट में डिस्कवर हुए हैं? तो हमारा आंसर है, आंसर इज केरला, ठीक है। टू केस ऑफ नोरो वायरस हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट, आंसर इज केरला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंपनी हैज़ बैग द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड द अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जवार यूपी, यानी यूपी के शहर जवार में एक नया इंटरनेशनल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, वो जो प्रोजेक्ट है किस कंपनी को मिला, वो प्रोजेक्ट किसको मिला?
टाटा प्रोजेक्ट्स को, यानी टाटा कंपनी को मिला, टाटा प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। ये प्रोजेक्ट किसको मिला है? टाटा प्रोजेक्ट्स को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, हु लॉन्च इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म चेरी, यानी किसी कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है चेरी, तो ये किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है कोटक इन्वेस्टमेंट, कोटक इन्वेस्टमेंट ने ये लॉन्च किया है। क्या नाम है? चेरी। और कोटक महिंद्रा बैंक की ये सब्सिडरी है कोटक इन्वेस्टमेंट। तो कोटक महिंद्रा के जो सीईओ यानी जो मालिक है उनका नाम है उदय कोटक। और ये कब स्टार्ट किया था? 2003 में, ठीक है, 2003 में। और इसकी टैगलाइन है लेट्स मनी मेक सिंपल, लेट्स मनी मेक सिंपल। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन एयरफोर्स साइन अ एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद होम फॉर सेटिंग अप एन आईएएफ हेरिटेज सेंटर इन द सिटी, यानी इंडियन एयरफोर्स ने अपना हेरिटेज सेंटर कौन सी सिटी में लगाना है, किसके साथ एमओयू साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? तो इसका आंसर है चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ में और सेक्टर 18 में ये लगेगा, ठीक है। और जो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर के हेड है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तो बनवारी लाल पुरोहित ही पंजाब के भी गवर्नर हैं, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ का नाम क्या है? विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी, ठीक है। तो चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट इंट्रोड्यूस एन ऐप कॉल्ड ACB 14400 टू कम्बैट करप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिस अक्रॉस द स्टेट, किस स्टेट ने एक नई ऐप लॉन्च की है, उस ऐप का नाम है ACB 14400 करप्शन, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में करप्शन होती है उसको रोकने के लिए, यानी जो जिसको भी कंप्लेंट हो, ठीक है, या कोई करप्शन ले रहा ऑफिसर, तो उसकी कंप्लेंट आप ACB 14400 पे डाल सकते हैं। तो ये कौन सी स्टेट ने ऐप लॉन्च की है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम क्या है? YS जगमोहन रेड्डी। तो ये थे हमारे करंट अफेयर 7 जून के। तो कल हम नेक्स्ट करंट अफेयर लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल and share with your friends.